सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट संडे वीडियो। सो मंडे को वीक प्लान आता है, सैटरडे संडे में एक दिन को टेस्ट आता है, बट इस टेस्ट वीडियो में सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ रेशियो के मैं चार ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग और काफ़ी लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था तो वेरिएशन पर कुछ पहुँच नहीं पाए और परसेंटेज का मैंने कुछ बड़ा पार्ट दिया नहीं था, तो इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ रेशियो का है, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। थोड़े से एक दो एंड में आएंगे टफ क्वेश्चन, बाकी स्टार्टिंग में बिल्कुल ईजी वाले हैं, ठीक है। सो let's start this. As you all you know that we have the courses for the CAT, NMAT, SNAP. If you want to enroll, the link is in description below, or you can WhatsApp me on this number if you want to inquire about any course. 7982139467. Okay, and these are the some past year results. If you want to read them, or there's the reviews as well, so you can just pause the video. Now this is a VisaIQ platform where we teach, okay, and these are the exact numbers, the past results, 200 plus NMAT, NMIMS also, we are very popular for that thing, NMAT. Okay, now let's start with the first question, which is if A is to B is 5 is to 2, B is to C is 4 is to 7 and C is to D is 1 is to 2, what is the value of A plus B is to C plus D? ये थोड़ा कुछ लोग कहेंगे component and dividend, या फिर कुछ लोग आ जाएंगे इस पर cannot determine, but ऐसा नहीं होगा, ध्यान लगाना। Giving you 1 minute, pause the video, start solving this question. I hope आपने कर लिया हो। सो ए इज टू बी कितना है आपका 5:2 और बी इज टू सी कितना दिया हुआ है 4:7। 2 से 4 पे पहुंच सकते हैं ईजिली, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 10:4:7, कॉमन हो गया ना ये। उसके बाद ऐसे ही सी इज टू डी कितना दिया हुआ है 1:2, इससे इस पे 7 पे पहुंच सकते हैं, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 10:4:7:14, ये आ गई। इसके बाद इसको प्लस कर दो 14 और इसको प्लस कर दो 21, ये हो गया आपका 2:3, सेकेंड इज द राइट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड यू हैव 1 मिनट टू डू इट। 1 मिनट में क्वेश्चन भी रीड करना, सॉल्व भी करना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप यू आर डन। सो राम की फैमिली, देर आर 4 अर्निंग मेंबर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, ओके, उसकी वाइफ, ब्रदर एंड वो सब कुछ है। इफ 1/3 राम की जो सैलरी है उसका 1/3, 2/5 ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है, एंड हाफ ऑफ हिज वाइफ एंड 3/4 ऑफ हिज सन इक्वल है, ठीक है। सो लेट्स से के है, अब इस सारी चीज़ को इधर ले आते हैं। सो आर इज टू बी इज टू वाइफ इज टू सन इज इक्वल टू 3k/5/2k इज इक्वल टू इज टू 2k/4/3, ओके, और इस 2 को 3 को सॉल्व कर देते हैं, सो इट विल गिव मी 18k इज टू 15k इज टू 12k इज टू 8k, ओके, एंड इसका टोटल बराबर हो जाएगा 6 36 के बराबर, तो ये कितना आ रहा है 20 35 18 हो गए 53 को किससे जाना चाहिए 636 से। आई होप सबको समझ आ रहा हो। सो 53 को 636 से जाना है तो किसके लिए जाना होगा, 530 तक तो 10 से हो जाएंगे, और 53 को और जोड़ दो, 53 को और जोड़ दो, ये 6 हो गया, ये 5 15 13 हो गया, ये 6 हो गया, हाँ, तो 12, ठीक है, तो ये 12 पे जाएगा टोटल, तो 12,000 आ जाएगा आपका के इज इक्वल टू 12,000, और आपको निकालना क्या है राम और उसके बेटे की, तो राम की है 18k, इसकी 18 प्लस 8 इज 26 इंटू 12 वाला कौन सा ऑप्शन, इसमें यही है, थर्ड इज द राइट आंसर, काम करता है, मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर भी नहीं निकाला, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट इन अ मिनट। I hope you are done. So Radu bought a packet of balls in which there were red and blue color balls only. If total number of balls in the packet was 48, then which of the following cannot be the ratio number of red and blue balls in the packet? I can do this question very orally. कोई figure तो कुछ है नहीं ज़्यादा. So see, मैं आपको सिर्फ sorry for that. Pen से ऐसी करके दिखा रहा हूँ कि 48 है. See over है. Pen है. 48 है. ठीक है. 48. आपको इस रेशियो में से देखो कौन से में जाएगा. अगर 2+1 कितना होता है 3 का होता है. परफेक्ट, एक सेकेंड, हाँ, 2+1 3 से 48 से पूरा जाता है, एंड 3+5 8 के टेबल में 48 आता है, 3 के टेबल में 48 आता है, एंड 9+7 9 और 7 16 और 48, हाँ, 16 के टेबल में 48 आता है आपका 3 पर, ठीक है, तो वो भी जाता है,
चार प्लस तीन सात, सात के टेबल में नहीं आता तो मतलब इससे नहीं जाएगा, बात खत्म। नाउ ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1:2, 1:3, 1:6। जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू इट, मैं करने लग गया, जस्ट पॉज द वीडियो, आई होप यू आर डन। सो इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि ए बी सी स्टार्ट करे बिजनेस 1/3, 1/2 ऐसे कुछ करो इन्वेस्ट किया है, 1/3, उसके बाद कुछ टाइम बाद 1/3 ऑफ टोटल वाइन ए ने विड्रॉ किया, 1/4 ऑफ टोटल टाइम बी ने विड्रॉ कर लिया, सी ने पूरे टाइम पे रखा, द रेशियो इन विच टोटल प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इज क्या होगी। सो स्नैप 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा मैंने टफ ही लिया है, ठीक है, तो लेट्स सी कि किसका किसका आंसर आया। सो आई एम सॉल्विंग नाउ, ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर इसको आसान तरीके से करना चाहो मतलब मुश्किल भी कर सकते हैं। लेट्स सेट फुल पीरियड ले लेते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है, या फिर और 1 ईयर, ओके, और ये आपको कितना दिया हुआ है, 1:2, 1:3, 1:6, ए ने इतनी की, तो ये रेशियो ही दी हुई ना स्टार्टिंग की, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो कितनी आ जाएगी आपका, 3:2:1। आई होप ये सबको आता ही होगा इतना जादू तो, ठीक है, जिन्होंने रेशियो कर लिया, अगर आपको इतना नहीं आता तो आपने रेशियो ढंग का नहीं किया है, ठीक है, ये 3:2:1 यू क्लिक से हो जाता है, ठीक है। नाउ 3:2:1 हो गया, अब आफ्टर 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, और उसने बोला 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, या फिर टोटल टाइम कितना लिया, 12 ईयर्स, तो लेट्स से एक टेबल ही बना देते हैं, ए बी सी, उसने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट कितना किया उन्होंने, टोटल ले लो 6x, क्योंकि 3:2:1 कितना होता है, टोटल 6, तो इसने 3x कर दिया, इसने 2x कर दिया, इसने 1x कर दिया, ये हो गया इन्वेस्ट कितना किया, ये हो गया टोटल टाइम, ठीक है। नाउ टोटल टाइम क्या आपका 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स में से ए ने कितने टाइम निकाले, 1/3, सो 12/1 3, 12/3 कितना होता है, 4, राइट, तो 4, बी ने कितने टाइम निकाल लिया आपका, 1/4, सो 12/4 होता है 3, ठीक है, और इसने तो पूरा टाइम रखा तो 12 महीने रखा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो 3/4 का कितना हो गया 12, 3 2 6, एंड ये तो 12x ही हो गया, ये आपकी रेशियो आ गई, एक्स 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 कट गया, ये कितना हो गया 2:1:2, तो 2:1:2, 3rd इज द राइट आंसर, दैट्स हाउ यू डू इट, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, ठीक है, बाकी मैंने बेसिक तो एकदम नहीं पढ़ाए हैं, देखो यार बेसिक मैं आपको इस समय वीडियो में नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज हमारे कुछ पेड स्टूडेंट्स भी हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे कि मैं बेसिक यहाँ पे पढ़ाने लग गया हूँ, ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, डोंट कमेंट डाउन बिलो कि सर आपने बेसिक नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट, मैं सच में बेसिक नहीं बताता, बिकॉज सब बात एथिक्स हैं यार, मैं किसी को ट्यूशन दे रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे आके फ्री में पढ़ा दूँ आपको तो वो बोलेगा मुझे, ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दैट्स, बट हाँ मैं इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे कि स्नैप 2018 का क्वेश्चन है, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए अगर आपने रिशो पेपर पढ़ लिया, अगर ये नहीं आ रहा तो आपको रियल में पेपर में भी नहीं आएगा, ठीक है, दैट्स द लेवल ऑफ द एग्जाम, ओके, अगर आ गया बेस्ट ऑफ लक, एंड मंडे को जो कल वीडियो आएगी बेसिकली उसको देख लेना, ठीक है, एंड उसके हिसाब से वीक प्लान करना, संडे जो नेक्स्ट संडे या सैटरडे होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं उसमें फिर कोई ना कोई वे निकाल लूँगा कि मैं LR वेल आर भी घुसा लूँ, क्योंकि इसमें स्क्रीन जो देखो ना छोटी है, तो मतलब LR का क्वेश्चन वैसे ही बहुत बड़ा होता है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई विल फाइंड अ वे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस।